हेलो ठीक रहेगा भाई मित्रों अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव साहब आपको संबोधित करेंगे माननीय राव साहब से आग्रह है आपको संबोधित करें धन्यवाद संजय मयूख जी आज हम एक बड़े विषय को देश के सामने रखने जा रहे हैं जिससे हम खुद और पूरे देश बहुत आश्चर्यचकित होगा यह जो मामला है यह राहुल गांधी जी की अमेठी में उनके नामांकन पत्र को लेकर जो एक आक्षेप एक एप्लीकेशन डाला गया उनके ऑब्जेक्शन में उसको लेकर है और रिटर्निंग ऑफिसर ने अमेठी के रिटर्निंग ऑफिसर ने जो इस नाम निर्देशन पत्र पर आक्षेप की सुनवाई को स्थगित करते हुए आज एक आदेश जारी किए हैं जो ये इसको मैं पढ़कर सुनाऊंगा जो अपने आप में एक बड़ी एक आश्चर्यचकित करने वाली एक बड़ी खबर है और इसमें क्या लिखा है यमेथी के रिटर्निंग ऑफिसर से दिया, दिया हुआ पत्र है मैं इसको सुनकर इसको पढ़कर सुनाऊंगा उसके बाद जो उस आक्षेप पत्र में क्या क्या आक्षेप लिए गए उसके बारे में मैं सबको जानकारी देना चाहूंगा सबसे पहला नाम निर्देशन पत्र पर आक्षेप की सुनवाई का स्थगन आदेश ये आज के दिन का आज के दिन की जो आदेश है आज दिनांक 24 चार को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के लिए नामांकन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों की अभ्य, अभ्यर्थी श्री राहुल गांधी के नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा हेतु प्रातः ग्यारह बजे से कार्यवाही प्रारंभ हो प्रारंभ की गई है आज सुबह ग्यारह बजे उसका स्क्रूटनी शुरू हो गया था और श्री राहुल गांधी के नाम पुकारने पर उनके नामांकन पत्रों पर क्रमशः अभ्यर्थी श्री अफजल वारिस अफजल वारिस पुत्र रियासत निवासी पूरे छेदी मजरे कोइलारा मुकारपुर पोस्ट जिला अमेठी मैं इसको आगे बढ़ रहा हूं को दो तीन लोगों का नाम दिया गया इसमें श्री राहुल गांधी की अधिवक्ता श्री राहुल कौशिक द्वारा वक्त आक्षेपों के खंडन के लिए समय मांगा गया जब उनको जब आक्षेप दिए गए तो उन्होंने कहा उनकी अधिवक्ता उनके लॉयर ने कहा उनका नाम है राहुल कौशिक ये राहुल गांधी जी को रिप्रेजेंट करते हैं उन्होंने कहा हमें समय चाहिए इन आरोपों को खंडन करने के लिए हमारे पास जानकारी नहीं है और हमें समय चाहिए ये अपने आप में एक बड़ी बात है क्योंकि हर इलेक्शन एजेंट के पास उनके लॉयर जो कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करते हैं उनके पास सारी जानकारी उपलब्ध रहती है और तुरंत उसका खंडन यदि सत्य से दूर है तो तुरंत किया जा सकता है लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा ऐसा नहीं किया और समय मांगा और उक्त आक्षेपों के खंडन एवं श्री राहुल गांधी के सभी चार नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा दिनांक 22 चार 2019 को प्रातः साढ़े दस बजे वहां उस तो समय तक स्थगित की जाती है आक्षेप की सुनवाई दिनांक 22 तारीख को सोमवार को साढ़े दस बजे पुनः की जाएगी तो इसका मतलब यह है कि जो आरोप जो आक्षेप किए गए और उन आक्षेपों का जवाब राहुल गांधी जी को उनको प्रतिनिधित्व करने वाली वकील के पास नहीं थे और यह क्या क्या आरोप है या क्या क्या आक्षेप है यह जानकर पूरे देश आश्चर्यचकित होगा मैं उसके बारे में आप सबको इस, इस पत्र में क्या क्या उन्होंने आक्षेप लिए हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा उसके पहले एक बार इसका अनुवाद करते हुए अंग्रेजी में टुडे द होल नेशन इज स्टैंड that mr. rahul gandhi and, and uh, his representative lawyer by the same name rahul rahul kaushik he was not able to provide clarifications to the returning officer of amethi constituency who sought to know some details about the nomination papers filed by mr. rahul gandhi on behalf of an. On behalf of uh, someone who has raised objections against Mr. Rahul Gandhi's uh, nomination papers, the questions being raised in this in this uh, uh, in this letter, raising objections are indeed very very serious, and it is so stunning that Rahul Gandhi's legal representative does not have answers to these uh, objections raised by the. Uh, by the by the other candidates and as a result representative lawyer of mr rahul gandhi sought time for presenting his candidates uh, uh, answers or his candidates clarifications to these objections and time has been provided until monday morning 22nd 10:30 am this time has been uh, uh, sought by rahul gandhi's representative and has been granted till monday morning I think it's a matter of great surprise that the, that, the, that the questions that have been raised and the objections that have been raised could not be clarified by the Rahul Gandhi's representative. But we would certainly want Congress Party to answer them in Delhi today, and we want Rahul Gandhi to answer these questions today. Congress Party ko Rahul Gandhi Jiko inka jawab dena padega. Unko ek samvidhan sanstha. जो चुनावी आयोग एक संवैधानिक संस्था है और रिटर्निंग ऑफिसर उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हैं हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युंसी में और ये जो सवाल जो पूछे गए इनका जवाब आज उनको देना पड़ेगा इनमें सबसे चौंकाने वाली जो बात है सबसे पहले मैं उसको उठाना चाहूंगा यह है राहुल गांधी जी की नागरिक नागरिकता को लेकर ये सबसे पहला सवाल यह पूछा गया क्या राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं क्या राहुल गांधी किसी समय क्या ब्रिटिश सिटीजन बने या नहीं क्योंकि यह डिक्लेरेशन फॉल्स डिक्लेरेशन एस टू नेशनैलिटी ये एक ऑब्जेक्शन है क्योंकि 2004 के उनके इलेक्शन अफिडेविट में खुद राहुल गांधी जी ने कहा कि हम बैक ऑप्स लिमिटेड निवेश किया था और 2005 के इस कंपनी के एनुअल रिटर्न्स जो वहां सबमिट हुए हैं यूनाइटेड किंगडम में इस कंपनी के मेमोरेंडम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उनमें उनकी नेशनैलिटी राहुल गांधी की नेशनैलिटी जी को उनकी नागरिकता को ब्रिटिश सिटीजन कहा गया जिस कंपनी में राहुल गांधी ने खुद निवेश किया उसको माना 2004 में उस कंपनी का नाम बैकऑप लिमिटेड है उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जो वहां ब्रिटिश सरकार के सामने जो सबमिट किए गए उनमें राहुल गांधी जी के नाम एक ब्रिटिश नागरिक के तरह तहत दिखाया गया क्या सवाल यह है कि अब राहुल गांधी उस समय ब्रिटिश सिटीजन बने थे क्या यदि ब्रिटिश सिटीजन वो बने थे ये भारत के कानून के उल्लंघन है इंडियन सिटीजन एक्ट के तहत कोई भी भारत के नागरिक किसी दूसरे देश के नागरिकता को स्वीकार करते हैं ऑटोमेटिकली उनकी भारत नागरिकता चली जाती है so we would want to ask mr rahul gandhi the company in which you invested and you referred to that company in 2004 election affidavit the name of that company is backups limited it is a company registered in london it's a company in which you served as a director and the official documents submitted by this company backups limited to the british authorities in the form of a memorandum of association and annual returns for the period ending 21-08-2005. So documents submitted to the British authorities in 2005 clearly showed that you were a citizen of United Kingdom. And if you, if you were a citizen there in that period, you would have automatically lost indian citizenship because indian citizenship act 1955 clearly states that any citizen of india acquiring citizenship of any other country automatically forfeits his citizenship of india so we would like to ask mr rahul gandhi were you indeed a citizen of of, uh, were you indeed a british citizen in 2005 or earlier and later and would that not automatically make you a non-citizen would that not render you into a, a person of indian origin only not a citizen of india and once you lose your citizenship status you are not qualified to contest any election to the, either the state assembly or इंडियन पार्लियामेंट सो मिस्टर राहुल गांधी मस्ट कम आउट क्लियरली टूडे रियल स्टोरी ऑफिप क्या आपने भारत के को स्वीकार करके क्या भारत के संविधान के साथ भारत के आ, भारत के भारत के साथ क्या आपने धोखा दिया है क्या अपने झूठ बोलकर चुनाव लड़े हैं यदि यह सही है तो क्या ये ये आधार काफी नहीं है आपकी योग्यता को खत्म करने के लिए आज के चुनाव में द सेकेंड इश्यू परटेन्स टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ मिस्टर राहुल गांधी इन इन डिफरेंट एफिडेविट्स फाइल्ड ओवर डिफरेंट इलेक्शन फ्रॉम टू थाउजेंड फाइव फोर टू 2009 थाउजेंड नाइन पार्लियामेंट टू थाउजेंड फोर्टीन पार्लियामेंट एंड नॉट टू थाउजेंड नाइनटीन पार्लियामेंट इलेक्शन देर इज ए डिस्क्रिपेंसी इन हेज or there, there has been an attempt to suppress facts. and also there, is, there are certain, uh, there is some haziness about his qualifications and the years in which he claims to have acquired those qualifications. in 2004 election affidavit, mr. rahul gandhi's qualifications given, there he had only given two qualifications. a senior secondary school certificate in 1989. We all know that is a 12 standard uh, certificate, and after this, he only mentioned MPhil, which he supposedly got from Trinity College, Cambridge University in Development Economics in 1995. There was no reference to any other qualification in between. But in 2009 and 2014 of debates, again there, is, there are discrepancies. In 2009, he said. He has introduced yet another qualification in between, which is Bachelor of Arts from Rollins College, Florida, in 1994, and MPhil in De Development Economics from Trinity College in 1995. This development economics, in the next election of the 2014, this qualification becomes MPhil in development studies. Either he does not remember what he studied or he does not have a paper to show what qualification he acquired, because qualifications do not change. You cannot claim to have a MPhil in one, one uh, discipline and then suddenly change it to something else. So it is certainly, and then 2019 of it, this development studies remains, but the real question is, I have a question. 1994, you have a bachelor's degree, and 1995, you claim to have a master's mphil degree. i don't know which university in the world gives an mphil immediately after a graduate degree. generally, there is a postgraduate degree required, and you seem to be such an extraordinary student that uh, university seems to have, i think you should have been uh, uh, featured on the university's website for acquiring such qualifications, but that, does, that scholarliness doesn't seem to be exhibited anywhere. So, I think these are the discrepancies in his educational qualifications. He has to come out and show a document as to what he filed in this election is indeed his educational qualification. I think this is what possibly the advocate has sought time for. And we hope he'll be able to show some paper before Monday or cover himself with uh, unlimited embarrassment. राहुल राहुल गांधी जी की जो उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं शैक्षणिक जो उनके क्वालिफिकेशंस हैं उनको लेकर बहुत संदिग्ध अवस्था में कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि उनके हर चुनाव में उनके क्वालिफिकेशन में कुछ ना कुछ अंतर हुआ है बट लेकिन राहुल गांधी कोई पढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं बट लेकिन ये 2004 के पहले उन्होंने जो क्वालिफिकेशन एक्वायर किया वो अतीत में जाकर के सर्टिफिकेट को कौन बदल सकता है बट लेकिन लगता है राहुल गांधी जी के पास इस प्रकार की कोई कला है उन्होंने 2004 के अपने अपने एफिडेविट में केवल सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होने का जिक्र किया वो नाइनटीन में और उसके बाद उन्होंने जिक्र किया सीधा एम होने का डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पचानवे के साल में 1995 में और 2009 आते आते इन्होंने बीच में एक डिग्री डिग्री होने का उन्होंने जानकारी दी वो है बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम रोलि कॉलेज फ्लोरिडा इन 1994 सो बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब ये अंडर ग्रेड क्वालिफिकेशन है उसके बाद एम पाने के लिए मेरी कितने भी अच्छे विद्या विद्यार्थी हो मेरी तीन साल तो लग जाते हैं बट लेकिन राहुल गांधी ऐसे सुपर स्टूडेंट लग रहे हैं कि एक साल के अंदर उनको एम मिल गया नाइन्टी में बैचलर ऑफ आर्ट्स नाइन्टी में उनको एम मिल गया वो भी नाइन्टी दो हजार में वो एम था डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में और 2014 आते आते वो सब्जेक्ट ही बदल गया डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का नाम उन्होंने डेवलपमेंट स्टडीज़ कर दिया ये कोई पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र तो नहीं है ये अभी आपका ये आपके ये, ये आपकी पार्टी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास सर्टिफिकेट है तो हर पांच साल में वो नाम तो नहीं बदल सकता है कोर्स का तो फिर कैसे बदला है और 2019 आते आते इन्होंने फिर वही जानकारी दी जो 2014 में दिए लेकिन इसमें सब्जेक्ट बदल गई 2000 2000 पहले 2000, नौ में उनकी सब्जेक्ट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स थी अभी 2000 अभी डेवलपमेंट स्टडीज बन गई है ये इतने सारे कंफ्यूजन को बिल्कुल राहुल गांधी को चुप नहीं सकते हैं क्योंकि ये संविधानिक संस्था के सामने अपनी योग्यता बताने के लिए उनको कोई ये कोई चुप्पी नहीं साध सकते हैं कोई रहस्य विषय नहीं रह सकता है क्योंकि ये कानून का ये ये चुनावी हमारी चुनावी आयोग का ये आदेश है कि आपको पूरे क्वालिफिकेशंस को बताने हैं और एक बहुत ही रोचक बात है राहुल गांधी जी के नाम के व्यक्ति को किसी को इस प्रकार कोई ट्रिनिटी कॉलेज से कोई डिग्री न मिला हो इस प्रकार कई लोगों ने जानकारी हासिल की है एक एक व्यक्ति है जिनका नाम राहुल विंसी है वो 2004 में उनके नाम पर कोई एम एम फिल के डिग्री की जिक्र है तो हमें देश दिन जानना चाहता है क्या राहुल विंसी जी वही राहुल गांधी जी भी है क्या ये 2000 ये 2004-5 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज ने एक एम डिग्री डेवलपमेंट स्टडीज में ही दिया है जिसकी दावा राहुल गांधी कह रहे हैं लेकिन वो राहुल विंसी के नाम दिया गया ऐसे जानकार आप जैसे बहुत बहादुरी पत्रकारों ने ऐसे जानकारी निकाली है तो इसलिए मैं मानता हूं सारे हमारे पत्रकार मित्र इसको विश्वास करेंगे और इसकी जवाब देना पड़ेगा इज एम फिल इन डेवलपमेंट स्टडीज फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज दिस हैज बीन एस्टेब्लिश थ्रू इंक्वायरीज एट द यूनिवर्सिटी ओनली वन इंडिविजुअल हैड एक्वायर्ड अ डिग्री एम फिल इन in development studies from trinity college cambridge university in the year 2004 and 5 and that individual's name is rahul Vinci. we would like to know whether rahul whether rahul gandhi goes by multiple names in different countries if he is a rahul Vincy, is this again another case of citizenship in some other country or is it some other individual i think it is for mr rahul gandhi to clarify all this mystery and uh, place the facts before the people of this country so that someone who claims to know all someone who wants uh, a documentary evidence for everything should really put in the public domain his own qualifications otherwise people will have serious doubts about his own authenticity and the third issue is concerning his own uh, property his own income there are questions that have been raised about that as well he had shown himself to be uh, an investor in BackOps Limited in 2004 manifesto in, in the 2004 election affidavit, he was a director and secretary of that company. And uh, what happened to that particular income? What happened to that particular income uh, from if in the 2009 and 14? This reference to this particular company is not there. So, has he sold his interest in this particular company? If so, how much money has he generated? Where has that money gone? These questions have not been answered. In addition to this, in a press conference we had raised last week, how he had acquired properties in uh, very prized properties from Unitech and others uh, in, uh, in Gurgaon without having paid anything. And at a time when Unitech's name was dragged into the 2G scandal, how come Rahul Gandhi acquired those properties without paying the due market price? दैट ही विल हैव टू आंसर, उनके संपत्ति के संदर्भ में भी राहुल गांधी जी के उनके संपत्ति के संबंध में उनके आय उनके इनकम उनके सोर्सेस ऑफ इनकम न बताने के का कारण भी आपत्ति जताई गई है हम उम्मीद करते हैं ये सारे जानकारी देने में राहुल गांधी सक्षम होंगे और इसको पूरा इसकी पूरी जानकारी देश के सामने रखेंगे ये 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 बिल्कुल सस्पेंस बना हुआ है देश में देश जानना चाहता है इस केस में क्या राहुल गांधी केवल एक एक जैसा हर बार भाग जाते हैं कई संस्थानों के विषय में जो जानकारी ना देते हुए भागते हैं उनके ऊपर आए हुए सवालों का जवाब न देते हुए ये भागने की परंपरा को उन्होंने जारी रखा है आज एक संवैधानिक संस्था के सामने उनके उनके Uh, उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इसलिए उनके पास कोई इनके uh, पास कोई चारा नहीं है उनको जवाब देना ही पड़ेगा और देश यह सारी जानकारी जानने के लिए काफी उत्सुक है वी विल लुक फॉरवर्ड टू द रिवल्यूशन ऑफ राहुल गांधी ही नॉट गेट अवे फ्रॉम दीज क्वेश्चन बिकॉज दीज क्वेश्चन जस्ट इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस बाई द बीजेपी दीज आर क्वेश्चन बीन आस्ड Of Rahul Gandhi by a constitutional authority uh, in, in, uh, in as a part of uh, the scrutiny of his application. We certainly look forward to uh, answers forthcoming from Rahul Gandhi as a candidate in M Amethi. But before this, we certainly expect someone who is well informed in the Congress party, or rather Rahul Gandhi himself, to clarify these doubts because his most of his. Uh, Spokespersons are completely in, in, uh, are completely in the dark about the dealings and about the suspicious nature of the activities of Rahul Gandhi, where he goes, where he travels. They, they seem to be in complete oblivion. So we would certainly want Rahul Gandhi himself to tell the people of Amethi uh, from wherever he is uh, rather than keep quiet and keep mum because that will only lead to his disqualification as a candidate and people of this country will also realize that rahul gandhi is a liar of the first order of which most of us have no doubt but this will be proved in a constitutional authority. thank you. ने जो एक संविधानिक संस्था के सामने उनसे प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों में यह भी एक ऑब्जेक्शन लिया गया है कि राहुल गांधी जी का ब्रिटिश नागरिक होने का कई सबूत है क्या वो सबूत के आधार पर क्या उनकी नागरिकता को या उनकी एप्लीकेशन को रद्द नहीं करनी चाहिए उनको सफाई राहुल गांधी को पेश करना है और बच नहीं सकते हैं क्योंकि यह कोई पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा नहीं पूछे जा रहे हैं ये एक्चुअली संविधान के संस्था के द्वारा एक रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग को प्रतिनिधित्व करते हैं ये सवाल पूछे गए तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा मनोज मिश्रा नहीं देखिए जब भी ये जानकारी आ, आ, सार्वजनिक तौर पर आती है जब ये ब्रिटिश ऑपरेशंस का जब ये बैकऑप्स लिमिटेड कंपनी का एक खुलासा हुआ तब भी हमने कई बार उनसे सवाल उठाए पर लेकिन जवाब नहीं मिला तो आज मौका है आज ऐसे संविधान संस्था के सामने ये सवाल उठाने का ये किसी ने इस अवसर को उपयोग किया है ये राहुल गांधी को आज मौका है बिल्कुल सारे तथ्यों को जनता के सामने रखने का और किसी प्रकार बचने के लिए कोई स्कोप नहीं है सच है तो जो भी उनके पास तथ्य हैं वो सामने रखें बैकअप्स का लिमिटेड कंपनी उनके नाम से है उन्होंने उसमें निवेश किया ये खुद उन्होंने कबूल किया उनके ही इलेक्शन एफिडेविट में ये ये जानकारी 2004 में दी गई तो किसी और ने उनके नाम पे तो नहीं इन्वेस्ट किया है तो लगता है जीजा जी और इनके बहुत बहुत इंटरेस्ट है लंदन में तो बैकऑप लिमिटेड एक जानकारी अभी तक आई है तो आगे देखते हैं और क्या क्या आते हैं अनामिका रत्ना नहीं नहीं जो देखिए जो हमारे ऊपर जो आरोप लगाए हम उसकी जवाब दे गए हैं तो यदि उनको किसी रिटर्निंग ऑफिसर के सामने वो सवाल उठाना है तो उठा सकते हैं बिल्कुल कोई किसी पर कोई रोक नहीं है बट लेकिन राहुल गांधी एक पार्टी के अध्यक्ष है एक एक परिवार के जन होने के नाते अपने अपने जीवन के अपना कोई राइट उनको लगता है इस देश में सांसद रहने का या देश में हुकूमत करने का तो कम से कम ब्रिटिश के सिटीजन बने हैं इस बात को समझकर जानकर हमें काफी दुख होता है लेकिन सच्चाई क्या है ये कंपनी में क्या डायरेक्टर बनने के लिए क्या वहां झूठ बोले तब तो वहां क्रिमिनल केस बनेगा उनके खिलाफ तो केस यहां बनना है भारत में क्या आरोपी के रूप में उनको देश के सामने कबूल करना है या ब्रिटेन में आरोपी बनना है इसका तय खुद राहुल गांधी करें थैंक यू